आधे पॉइंट्स अस्सलाम पे नहीं, जब आपने वालेकुम। देखना हो तो ये आ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल है? आई होप कि आप लोगों का टेस्ट अच्छा हुआ होगा और मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको? आवाज आ रही है? यस मैम, आ रही। अच्छा ठीक है, चले आज हमने पढ़ना है नेक। नेक में हमने डिफरेंट रीजंस करने हैं, जैसे पोस्टीरियर सर्वाइकल रीजन और आपका जो लेटरल सर्वाइकल रीजन। जो पोस्टीरियर सर्वाइकल रीजन है, इसको फिर जो आपका लेटरल रीजन होता है उसका फिर दूसरा नाम क्या देते हैं? वो पोस्टीरियर सर्वाइकल, एंटीरियर सर्वाइकल रीजन है, पोस्टीरियर सर्वाइकल रीजन है और लेटरल सर्वाइकल रीजन है। ये रीजंस पढ़ने इसलिए ज्यादा, इन रीजंस को अलग-अलग से पढ़ना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्स, नर्व्स, वेसल्स पास होती हैं और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और ये हमारी इस तरह इनको, इनकी वॉल्स, इनकी बाउंड्रीज, इनकी कंटेंट्स सब इसलिए पढ़ना जरूरी हो जाता है क्योंकि ये जब फ्यूचर में कोई सर्जरी वगैरह हो या कुछ भी मसला हो तो ये हेल्प आउट करते हैं। ये हमने, ये सर्जन्स को हेल्प आउट करते हैं, इसलिए ये इस तरह एनाटॉमी को इसी तरह पढ़ा जाता है। कैन अब जो पोस्टीरियर सर्वाइकल रीजन है, पोस्टीरियर सर्वाइकल रीजन से आप सबको आइडिया हो जाए, हो गया है कि हमारा जो पोस्टीरियर नेक है उसकी बात कर रहे हैं। जो पोस्टीरियर सर्वाइकल रीजन का जो नेक का हिस्सा है, आखिर इसके ऊपर क्या बसल अटैच है? ये अगर आप रेड में देख रहे हैं तो एक बहुत खूबसूरत सा, और आप लोगों को पता है कौन सा मसल है, आप लोगों क्या ने सुन फर्स्ट सकते हैं ईयर आप में भी मुझे? पढ़ा है ये कौन सा मसल है। ये ट्रेपीजियस है। ट्रेपीजियस जो है ना, एक लार्जर मसल होता है, फ्लैट होता है और ट्राइंगुलर सा होता है जिसने सारी इसको, बैक को, इसको नेक को कवर किया होता है और साथ साथ पोस्टीरियो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ नेक को भी कवर करता है। पोस्टीरियरली तो कवर करता है, लेटरली भी जाके कवर करता ठीक है। ये हमारा ट्रेपेजियस है। ट्रेपेजियस आपने पढ़ा है, बहुत अच्छी तरह पढ़ा है, बार बार पढ़ा है, तो इसलिए इतना आप लोगों को ओके, इतना लेट्स वेट फॉर मुश्किल 10 मिनट्स। नहीं होनी चाहिए ट्रेपेजियस। अब जो ट्रेपेजियस है, ये बैक का मसल है, हमें पता है ये सुपरफिशियल मसल है बैक का, बिल्कुल पता है। ये एक्शन क्या करता है? इट एक्ट एज अ पेक्टोरल गिर्डर। पेक्टोरल गिर्डर आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है कि ये किस तरह, पेक्टोरल गिर्डर क्या है? एनीवन? फर्स्ट ईयर को मैं रिवाइज करना चाह रही हूँ। बेटा पूछ रही हूँ मैं आपसे, पेक्टोरल गिर्डर क्या है? कोई तो मुझे आंसर बताएगा ना। पेक्टोरल गिर्डर जो है ना, जिसका दूसरा नाम है शोल्डर गिर्डर, ठीक है। ये जो है ना, सेट ऑफ बोन्स है, अपेंडिकुलर स्केलेटन है, जो कि कनेक्ट करते हैं आर्म को ऑन ईच साइड, ठीक है। और इसमें हमारे पास क्लेविकल स्कैपुला होता है और ये जो है मिलके, ये जो तीन बोन्स हैं ये मिलके बनाते हैं शोल्डर। इसमें कोरोकॉइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला, ठीक है। ये है पेक्टोरल गर्डर, ठीक है। अब जो सर्वाइकल मसल्स हैं, सर्वाइकल रीजन, नेक का जो, ये सर्वाइकल इसको कहते हैं, नेक के रीजन, ये प्रोड्यूस करते हैं मूवमेंट ऑफ स्कल। ये जो हम हेड नोडिंग करते हैं, साइड साइड मूवमेंट्स करते हैं, ये अपनी जो गर्दन हिलाते रहते हैं, तो ये आपकी क्या है, ये प्रोड्यूस करती है मूवमेंट। ट्रेपीजियस मसल, ट्रेपीजियस मसल अटैच पेक्टोरल गर्डल। ट्रेपीजियस मसल जो है ना, पेक्टोरल गर्डल को अटैच करती है टू द क्रेनियम और वर्टिबल बोन। यानी अगर आप ट्रेपीजियस को देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है कि ये शोल्डर गर्डल, एज अ शोल्डर गर्डल एक्ट करती है। और ये जो है, ये मसल जो है, ये
जो पेक्टोरल रिडल जिसे हम जिसे कहते हैं कि ये इसका एक्शन होता है, ये मसल को जाके शोल्डर के साथ, ये जो है पेक्टोरल रिडल को ट्रेडियम के साथ जो शोल्डर का, फिर इसी को वर्टिबल कॉलम के साथ अटैच कर देते हैं, यानी इसके अंदर ये सारी अटैचमेंट देते हैं, और फिर इसकी वजह से ये मूवमेंट पॉसिबल होती है, ये मूवमेंट पॉसिबल इसी वजह से। ये देखिए ये डायग्राम है, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको ट्रेपेजियस की दिखाई, ये नहीं कि यहाँ पे और कोई मसल नहीं पड़ा होगा, बड़े मसल्स पड़े होंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैंने आपको ट्रेपेजियस दिखाया। हाँ जी, क्लेविकल है, स्कैपुला, ठीक है, सेट ऑफ बोन्स है, सेट ऑफ बोन्स है, पर किसकी सेट ऑफ बोन्स थी? यही ना कि पेक्टोरल गिर्डल जो है शोल्डर गिर्डल है, जो कि आपकी शोल्डर गिर्डल जो है क्लेविकल स्कैपुला, ये मिलके, और ये जो ट्रेपेजियस है ये एक्ट करता है, ये पेक्टोरल गिर्डल, और ये कनेक्ट बेसिकली कर रहा होता है क्रेनियम को शोल्डर गिर्डल के साथ और वर्टिब्रा, यानी ये तीनों इस तरह कनेक्शन होती है, हम हाथ हिला रहे हैं, हम झुक रहे हैं, हम अपना सर हिला रहे हैं, ये सारा क्या है, ये सारी हेल्प करती है, बहुत सी चीजें हेल्प करती है, लेकिन ये जो है इसका एक मेन मैं आपको बता रही हूँ फंक्शन इसका। चले आगे चलते, ये जो पोस्टीरियर सर्वाइकल रीजन जो है, पोस्टीरियर सर्वाइकल रीजन जो है, ये असल में इसमें सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, वो है ट्रेपेजियस, ट्रेपेजियस ही ट्रेपेजियस, 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 क्योंकि पोस्टीरियर को सारा ट्रेपेजियस ने कवर किया, ठीक है। यही ट्रेपेजियस की ओरिजिन क्या है, इंसर्शन क्या है, यानी वो कहां से निकला है, वो कहां कहां से निकला है, ओरिजिनेट कहां से हुआ और कहां कहां पे जाके इंसर्ट हुआ। बड़ा मसल है तो बड़ी ओरिजिन इंसर्शन होंगी, ओरिजिन हुआ है इसकी स्पाइनस प्रोसेस ऑफ C7 से लेके T12 वर्टेब्रा तक, यानी पूरी बैक आपकी पूरी बैक से निकल गया तकरीबन एल लंबर कुछ हो गया, सॉरी बैक के थोरैक्स, पूरी थोरैक्स आपकी लंबर और सैक्रल स्पाइनस प्रोसेस, यानी देखें थोरैसिक तो करती करती है, फिर जाके थोड़ा सा अपना ओरिजिन लंबर और स्पाइनस प्रोसेस से भी ले लेती है इंसर्शन ओरिजिन, और जाके इंसर्ट होती है लेटरल थर्ड क्लेविकल, जो लेटरल थर्ड जो है क्लेविकल का हिस्सा उधर, और एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला पे, यानी इस तरह आई पूरी, इसने पूरे एक फ्लैप सा बनाया और जाके जो लेटरल थर्ड ऑफ क्लेविकल है वहां पे, और एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला को वहां पे अटैच करता है। ये देखिए ये डायग्राम देखिए, पोस्टीरियर सर्वाइकल में कुछ भी नहीं है, सिर्फ यही है। अच्छा, इसकी नर्व सप्लाई क्या है, स्पाइनल एक्सेसरी नर्व, अगर ये नर्व को कुछ हो गया, पैरालिसिस हो गई तो क्या होगा, शोल्डर ड्रॉप हो जाएगा, शोल्डर ड्रॉप हो जाएगा, ये आपका पोस्टीरियर सर्वाइकल रीजन, बहुत छोटा सा टॉपिक है, 2 मिनट का टॉपिक है और यूं खत्म, समझ आ गई है बेटा, दोबारा रिवाइज कर लो अगर किसी को नहीं आई। अच्छा, पैरालिसिस हो जाए, शोल्डर ड्रॉप कब होता है, किस नर्व की पैरालिसिस होती है, रोल नंबर 62, रोल नंबर 62 क्यों, क्या हुआ है, आवाज क्यों कम आ रही है, सबको मेरी आवाज कम आ रही है, यहाँ से तो सही है बेटा आवाज, क्योंकि इन कॉलेज वालों ने मेरे साथ अभी चेक किए भी आए थे, आप अपना सिस्टम चेक कर लो, आ रही है आपको मेरी आवाज, कंसा आपको मेरी आवाज आ रही है, और ऐसा कोई सा कौन सा स्टूडेंट है जिसको मेरी आवाज नहीं आ रही,
Anyone? सबको आवाज आ रही है? सही, अच्छा आवाज आ रही है। देखो बेटा खानसा आपने कोई, अच्छा ठीक है, ओके सबको आवाज आ रही है। खानसा आप अपना सिस्टम चेक करो या अपने हेडफोन्स पहन लो अपना, वो कहीं वो कम ना हुआ हो जो आपकी वो वॉल्यूम है वो चेक करो खानसा, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल यहाँ से कोई मसला नहीं है, यहाँ पे पूरा चेक होता है, आवाज सबको आ रही है, पूरी क्लास को आ रही है। अच्छा मैं आपको दोबारा रिपीट कर देती हूँ साकिब। अच्छा अभी जो हमारा जो आप लोगों ने कल टेस्ट दे दिया है और आज से हमारा नेक स्टार्ट हो गया है, जो टॉपिक्स से मुझे ज्यादा नेक की टॉपिक्स मिले। नेक जो है हमारे पास डिवाइड ही होता है, अगर आप देखें एंटीरियर में पोस्टीरियर में लेटरल, ठीक है एंटीरियर पोस्टीरियर और लेटरल। मैं आपको इस पे दिखा देती हूँ, थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड दे देती हूँ। नेक को जो है डिटेल से पढ़ा जाता है, ये नहीं कि बस मैंने आपको ट्रेपेजियस का एक सर पोस्टीरियर रीजन बता दिया तो बस जी खत्म हो गया, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। नेक को डिटेल से पढ़ा जाता है और नेक में बहुत सी चीजें होती हैं। आवाज नहीं आ रही बेटा, अभी आ रही है, अभी आ रही है, वो मेरी पिक्चर डाउनलोड हो रही थी शायद इस वजह से। देखें ये हमारे पास नेक है, एनाटॉमी वालों के लिए तो हम ऐसी नेक देखते हैं ना बेटा। मैं रिपीट कर रही हूँ, वेट कर लो। नेक जो है इसको ले मैं देखे ही गर्दन है, वो कहेंगे क्या है गर्दन में इतनी क्या चीज है। नेक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कनेक्शन देती है आपकी स्कल के साथ और रेस्ट ऑफ द बॉडी, यानी ब्रेन जो है इसको कनेक्ट कर रहा होता है। ये जो नेक का ये एंटीरियर रीजन है, ये इसका लेटरल रीजन है और इसका जो पोस्टीरियर रीजन यानी ऑक्सिपिटल रीजन कह सकते हैं। ये जो नेक का एंटीरियर सर्वाइकल रीजन है, फिर लेटरल सर्वाइकल रीजन है और पोस्टीरियर सर्वाइकल। पहले मैं आपको पोस्टीरियर सर्वाइकल के बारे में बताऊँ, पोस्टीरियर सर्वाइकल रीजन ये पोस्टीरियर सर्वाइकल रीजन, ये रीजन्स को इसलिए इसमें डिवाइड किया इनको रीजन्स में ताकि एक तो हमें स्ट्रक्चर्स हम डिटेल से पढ़े, एक हमें इनकी लोकेशन पता चले, एक हम जब सर्जिकली कोई भी हम सर्जरी वगैरह करें तो हमें पता हो कि हम किस कोई स्ट्रक्चर को इसके साथ जो है डैमेज ना करें। इसके अंदर फेशियाज हैं, इसके अंदर एक तरह से टनल समझ ले वो हैं, तो पाइप्स हैं जैसे विंड पाइप हो गई, ट्रेकिया हो गई, ये सारी। तो ये नेक बहुत इम्पोर्टेंट। अब जो पोस्टीरियर सर्वाइकल ये इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ट्रेपेजियस मसल। पोस्टीरियर सर्वाइकल रीजन पे कहते आपसे पूछे कि पोस्टीरियर सर्वाइकल रीजन पे कौन सा मसल अटैच है, भाई ट्रेपेजियस मसल अटैच है। अच्छा ट्रेपेजियस मसल अटैच है तो ट्रेपेजियस मसल क्या छोटा सा मसल है? नहीं, आप देख रहे हो डायग्राम में देख रहे हो कि ट्रेपेजियस मसल एक लार्ज फ्लैट और ट्रायंगुलर मसल जो कि कवर करता है पोस्टीरियर और लेटरल एस्पेक्ट ऑफ नेक एंड थोरेक्स। ठीक है यहां तक समझ आ गई है साकिब आपको? साकिब आपको समझ आ गई यहाँ तक पोस्टीरियर सर्वाइकल रीजन? आई
अच्छा साकिब अभी समझ आ गई है? साकिब ये चेक करो क्या स्टूडेंट्स को मेरी आवाज नहीं जा रही? गुलाम रसूल, कायरा, मैम आवाज आ रही? फिर बोल क्यों नहीं? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, सो रहे बेटा आप लोग तो खुद सो रहे होते तो आप लोग फिर मुझसे एक्सपेक्ट करते, मैं यहाँ चीज की आवाज मेरी बिल्कुल सेट आ रही है, यहाँ से मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर है, अपने सिस्टम्स को चेक करो। कोई भी रिप्लाई नहीं करता, चले अभी आगे चलते। सुपीरियर मसल ऑफ बैक या सुपरफिशियल मसल कह दो, इट एक्ट एज अ, अब ये किस तरह एक्शन करती है ये मसल, इट एक्ट एज अ पेल्विक गर्डल, पेक्टोरल गर्डल, सॉरी पेक्टोरल गिर्डल, यानी पेक्टोरल गिर्डल का दूसरा नाम क्या है? पेक्टोरल गिर्डल का दूसरा नाम है शोल्डर गिर्डल। अच्छा ठीक है बेटा, पूछ लिया करो जब समझ नहीं आ रही हो, रिपीट कर देते हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, यही आप लोगों के पास इतना अच्छा टाइम है कि घर पे आप आराम से रिलैक्स भी हो सकते हो, अपना पढ़ भी सकते हो, तो ये बहुत अच्छा आपके पास टाइम है पढ़ने के लिए, इस पे अपना पूरा कोर्स खत्म करो। ऐसे आप लोग कहते थे मैडम नहीं जी पढ़ा नहीं जाता, ये नहीं, देखो अभी आप लोगों के पास इतना अच्छा टाइम है, ये सेकंड ईयर आपका एक दफा हो जाए फिर तो आपके थर्ड ईयर बहुत ईजी हो जाता है, फर्स्ट प्रॉफ ही डिफिकल्ट होता है। ये जो है पेक्टोरल गिर्डल या शोल्डर गिर्डल की तरह है, ये जो मसल है, ये जो ट्रेपेजियस मसल है, ये अटैचमेंट देता है पेक्टोरल गिर्डल को, जो शोल्डर गिर्डल, टू क्रेनियस और वर्टेब्रल कॉलम के साथ, और इसमें जो बोन्स इन्वॉल्व होते हैं वो दो बोन्स है, क्लेविकल और स्केपुला आपकी, ये दो बोन्स आपकी इन्वॉल्व होती है। अच्छा फिर कहते हैं तो ओरिजिन क्या है? भाई ओरिजिन ये है कि C7 से निकलता है जो लास्ट वाला सर्वाइकल है और T12 तक जाता है और लंबर और स्पाइनस प्रोसेस के वो लंबर और सैक्रल की स्पाइनस प्रोसेस से भी निकल के जाके ये सीधा फ्लैप जो है ना अटैच दे देता है मिडिल जो थर्ड वाला जो वो है ना क्लेविकल वहां पे और आपका स्केपुला पे अटैच है, ये आपकी अटैच इंसर्शन है। अगर आपकी स्पाइनल एक्सेसरी नर्व डैमेज होता है तो फिर क्या होगा? शोल्डर ड्रॉप हो जाए, शोल्डर ड्रॉप हो जाए। ये देखें ये डायग्राम, ये वाली डायग्राम डिटेल्स है, ये स्पाइन ऑफ स्केपुला यहाँ से एक्रोमियन प्रोसेस क्लेविकल, लोअर ट्रेपेजियस देखें, अपर ट्रेपेजियस देखें, मिडिल ट्रेपेजियस देखें, बेस ऑफ द ऑक्सिपिटल ऑक्सिपिट देखें, ये पूरा अपर ट्रेपेजियस मसल। ठीक है अब एक और चीज मैं आपको दिखाती हूँ, ये आपने एक्सेसरी नर्व की डैमेज, एक्सेसरी नर्व डैमेज होता है तो क्या हो जाता है, क्या हो जाता है एक्सेसरी ट्रेपेजियस, देखो ट्रेपेजियस अब आपको रटना होना चाहिए। ठीक है ये अच्छा यहाँ पे नहीं आया वो सिस्टम में, चलो ये आपका हो गया है पोस्टीरियर सर्वाइकल रीजन ऑफ नेक। अब जो है हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो है ट्रायंगल्स ऑफ नेक। अपने सीनियर से पूछो, पास पेपर उठा के पूछो, वाइवास देखो, सब ट्रायंगल ऑफ नेक से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट है ट्राइंगल्स ऑफ नेक। जो ट्राइंगल्स ऑफ नेक है, ट्राइंगल ऑफ नेक है इस तरह है कि इस नेक को, ये हमारा एंटीरियर सर्वाइकल रीजन है, ये हमारा लेटरल सर्वाइकल रीजन है,
और पोस्टीरियर सर्वाइकल। पोस्टीरियर सर्वाइकल रीजन मैंने आपको पढ़ा दिया है, मगर कुछ छोटा सा था उसके साथ इतना नहीं। अब जो है हमारा एंटीरियर सर्वाइकल रीजन है और लेटरल सर्वाइकल। जो ट्रायंगल ऑफ नेक है इसमें ये करते हैं कि जो आपका एंटीरियर सर्वाइकल रीजन है और लेटरल है इनमें डिमार्केशन से ड्रॉ कर, और ये आपके इसके अंदर दो आपके ट्रायंगल्स बन जाते हैं। जो एंटीरियर एस्पेक्ट होगा एंटीरियर सर्वाइकल का, इसे कहते हैं एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक, और उसके बाद जो लेटरल सर्वाइकल रीजन होता है इसे कहते हैं पोस्टीरियर सर्वाइकल रीजन। बेटा देखें इस पे मैं इसलिए ऐसे पढ़ाना चाह रही हूँ, अब ये ट्राइंगल्स पे आ गई हूँ और मैं इसलिए इन्फ्लुएंस करना चाह रही हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट, आपको ये समझना बहुत जरूरी है। मैंने आपको पढ़ाना है पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक यानी लेटरल सर्वाइकल रीजन, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन एंटीरियर से स्टार्ट कर दूं ताकि आपके जहन में थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट रहे कि ये हमने ट्रायंगल्स किस तरह। ये हमारी नेक है, ठीक है, ये हमारी नेक है और ये हमारा कौन सा रीजन है, एंटीरियर सर्वाइकल। एंटीरियर सर्वाइकल रीजन को पहले सेंटर से हमने सिमेट्रिकल हाफ में डिवाइड किया, ये मैंडिबुलर सिम्फिसिस है और ये मैन्यूब्रम स्टर्ना, इस तरह हाफ में डिवाइड किया। अब ये जो है एक ट्रायंगल इधर और दूसरा ट्रायंगल, और ये एक मसल है यहाँ से, इस तरह एक मसल आता है जिसे कहते हैं स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल। आपने पढ़ा होगा स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड, फर्स्ट ईयर में पढ़ाया आपने मसल, रोल नंबर 72। बेटा मैं तो आराम से पढ़ाऊंगी क्योंकि मेरे पास दो क्लासेस हैं इसकी, तो मैंने तुम लोगों से अच्छी तरह पूछना है और जिसको नहीं आएगा तो फिर मैं उसके साथ देखू। ताहिरा मैं जिस का नाम ले रही हूँ और जो के मुझे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, आपने एक पेज पे उसके नाम लिखने और सीधा वो आपने नीचे डॉक्टर गुलफीन को दे देने। ओके मैम। पहले भी आपने नाम लिखे थे, भिजवाए थे आपने नाम? जी मैम। बस ठीक है, 72 रोल नंबर का नाम भी को भिजवाओ इसका। अच्छा, हमने कहा रोल नंबर 76 लाइबा ज़िक्रिया। मैम 67 है लाइबा ज़िक्रिया का रोल नंबर। हाँ 67 नहीं, मैंने 62 आ गई है, मैं 62 कह रही, 62 कह रही। कायनात जफर। हाँ किधर है वो? मैम अनम्यूट म्यूट करना है इसको, कायनात को नहीं करना, नहीं 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 कुछ भी नहीं करना, जब मैं कहूंगी तब। मैं सिर्फ इनसे मैसेजेस पे एक दो बातें पूछना चाह रही हूँ, वो तो ये कर ही सकते। अच्छा, ट्रायंगल ऑफ नेक, ट्रायंगल ऑफ नेक जो है हमारे पास एंटीरियर ट्रायंगल और पोस्टीरियर ट्रायंगल। मैं आपको पढ़ाऊंगी पोस्टीरियर ट्रायंगल, ठीक है, और पोस्टीरियर ट्रायंगल का यानी अगर आप ये ग्रीन में देखें, ये ग्रीन और ये ग्रीन, ये हमारा एंटीरियर सर्वाइकल रीजन है और ये हमारा लेटरल सर्वाइकल, और ये जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट मसल है भाई, इसकी तो बहुत ही शान है, बड़े ही इंपॉर्टेंट मसल है, ये है स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड। This sternocleidomastoid muscle is responsible for the division of the anterior triangle of neck and posterior triangle of neck. बेटा मेरी बात सुनो, पूरी क्लास मेरी बात सुनो, अगर मैं किसी का रोल नंबर लू, नाम लू या रोल नंबर लू और अगर उसने मुझे रिप्लाई नहीं किया विद इन सेकेंड्स तो मैं उसको एब्सेंट मार कर, तो इट विल बी बेटर कि आप अपने कान खोल के और अपनी आंखें भी खोल के इस टॉपिक को सुनने, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इतना आसान भी नहीं है, केएलएम पढ़ोगे दिमाग खराब हो जाएगा आप लोगों का, इसलिए सुनो। टू मेन ग्रुप्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, एंटीरियर और पोस्टीरियर। जो एंटीरियर ट्राइंगल है इसके अंदर फर्दर बहुत ज्यादा ट्राइंगल्स हैं,
मैंडिबुलर ट्राइंगल्स हैं, डाइगेस्टिक ट्राइंगल्स हैं, वो आगे आप पढ़ेंगे। मैंने आपको पढ़ाना है पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ मैन, यानी ये जो है पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक, फिर पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक भी फर्दर दो ट्राइंगल्स में डिवाइडेड है। वो कैसे, वो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन मैं आपको एक डेमार्केशन बता दूंगी। ये आपकी एक ट्राइंगल हो गई, ये जो मसल है, इसके बाद ये आपकी दूसरी ट्राइंगल हो गई, यानी दो में है, यानी एक बड़ा है बिगर, एक स्मॉलर है, ये आपकी ट्राइंगल। अब जो है आगे चल, अब हमारा टॉपिक स्टार्ट हो गया, लेटरल सर्वाइकल रीजन। लेटरल सर्वाइकल रीजन जो है, यानी उसको दूसरी तरफ से दूसरा नाम देते हैं हम, पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक। लेटरल सर्वाइकल रीजन या पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक, अगर आप गर्दन को यूं मोड़े तो आपको एक मसल अटैचमेंट नजर आती है, स्टर्नोक्लिटोरिस, ये रिस्पॉन्सिबल है दो ट्राइंगल्स को बनाने की, और बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर। अगर आप ये डायग्राम देखिए, ये देखिए, ये आपका एंटीरियर ट्राइंगल है, ये आपका पोस्टीरियर ट्राइंगल है, और ये आपका स्टर्नोक्लिडोमास्टॉइड मसल, ठीक है। और जो एंटीरियर ट्राइंगल जो है फिर फर्दर उसमें होते हैं कि आपकी ये डाइगेस्ट्रिक, सबमेंटल, कैरोटिड ट्राइंगल, ये एंटीरियर ट्राइंगल फिर आगे डिवाइड कर। लेकिन हमारा काम है अभी फिलहाल पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक। केएलएम में भी आपका सबसे पहले लेटरल सर्वाइकल रीजन दिया हुआ है, फिर उसके बाद एंटीरियर दिया है, इसलिए इस तरह की डिविजन की हुई है, क्योंकि पहले आप छोटा सा करो, ताकि जब आप एंटीरियर तक आओगे तो आपका दिमाग, आपका माइंड खुला होगा, और आपको ट्राइंगल्स के बारे में अच्छी खासी समझ आ गई होगी। द नेक इज डिवाइडेड इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ट्राइंगल्स बाय स्टर्नोक्लिडोमास्टॉइड। एंटीरियर ट्राइंगल, एंटीरियर ट्राइंगल, ये हमारा सारा, ये सारा जो है हमारा एंटीरियर ट्राइंगल है, यानी ये स्टर्नोक्लिडोमास्टॉइड के आगे एंटीरियर ट्राइंगल। एंटीरियर ट्राइंगल लाइज in front of the sternocleidomastoid muscle and posterior triangle lies behind the sternocleidomastoid muscle. देखिए कितना इजी हो गया, ये आपकी बाउंड्री भी हो गई, इसके बॉर्डर्स कौन बनाता है, इसकी बाउंड्रीज कौन बनाता है। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आ सकते हैं ये आते हैं, पूरा नोट भी आता है, मैं इस पे बहुत बहुत ज्यादा एम्फसाइज कर रही, इसलिए मैं बहुत आराम से पढ़ाना चाह रही हूँ कि आपको किसी भी पॉइंट पे कोई भी मसला हो तो आपने मुझे बताना है। अब हमने स्टूडेंट, आपको वो क्या क्या करना चाहिए, आपको किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपको इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि डिस्क्राइब करें पोस्टीरियर ट्राइंगल, कंटेंट्स बताएं पोस्टीरियर ट्राइंगल, कॉमन अप्लाइड क्या हो सकता है, इसके अंदर किसे कौन कौन सी नर्व्स पास हो सकते हैं, कौन कौन सी वेसल्स हैं, इसको फेशियस किस तरह कवर किया है कि नहीं किया, इम्पोर्टेंस क्या है इस तरह के क्वेश्चन का। लेकिन ये जो तीन मेन है और ये जो दो मेन है ये तो इसी तरह, अब जो स्टर्नोक्लिडोमास्टॉइड मसल है जो कि इतना इम्पोर्टेंट मसल है, जो कि हमारे नेक को दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर, उसके बारे में थोड़ा सा कुछ पढ़ते हैं। स्टर्नोक्लिडोमास्टॉइड मसल और स्टर्नोमास्टॉइड मसल इज अ स्ट्रैप लाइक मसल दैट डिसेंड ओब्लिकली अक्रॉस द साइड ऑफ द नेक। ओरिजिनेट कहाँ से होगा, मैन्यूब्रम ऑफ स्टर्नम, मैन्यूब्रम स्टर्नाई से, मैन्यूब्रम स्टर्नाई एंड क्लेविकल्स, मैन्यूब्रम स्टर्नाई और क्लेविकल्स, और जाके इंसर्ट हो जाता है mastoid process of temporal bone, mastoid process of temporal bone, ये आपको स्टर्नोक्लिडो मैस्टॉइड मसल के बारे में पता चल गई। ओरिजिन भी, इंसर्शन, ओरिजिन कहाँ से होती है, कि स्टर्नम से होती है और क्लेविकल से होती है, स्टर्नम से होती है, क्लेविकल से होती है, ये स्ट्रैप लाइक ओब्लिक होता है और जाके इंसर्ट हो जाता है mastoid process। mastoid process किसका है, हेड एंड नेक, हेड पढ़ा चुके हूँ, स्कल पढ़ा चुके हूँ, तो स्कल में मैस्टॉइड प्रोसेस जो है टेम्पोरल बोन,
अब जो है एंटीरियर और पोस्टीरियर, हमारा फिलहाल एंटीरियर से काम नहीं है, लेकिन फिर भी एंटीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक को अगर आप देखें तो इसको फर्दर और ट्राइंगल्स में डिवाइड किया है। ये बेसिकली कौन डिविजन कर रहे हैं, खुद क्या किसी ने चौक लेके मार्क कर दिए? चलो इन एंटीरियर पोस्टीरियर को तो जी स्टेनोक्लीडोमास्टॉइड का बड़ा रोल, तो इनको भाई ये जो पतली सी आप एक मसल स्ट्रैप देख रहे हैं छोटा सा टुन्नू सा, ये ओमोहोइड मसल है, ओमोहोइड मसल है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मसल है बहुत, और इसमें बड़ा अच्छा सा नजर आ रहा है। देखो ना ये स्टेनोक्लीडोमास्टॉइड के पीछे से गुजरता है, इसके पोस्टीरियर पड़ा होता है। ओमोहोइड की दो बेलीज होती है, एक इंफीरियर बेली होती है, सुपीरियर बेली होती है। जो इंफीरियर बेली होती है जो जाकर क्लेविकल के साथ जाकर अटैच होती है, इंफीरियर बेली जो है ना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिविजन ऑफ पोस्टीरियर ट्राइंगल, यानी वो पोस्टीरियर ट्राइंगल को फिर दो में डिवाइड कर देती है, ऑक्सिपिटल ट्राइंगल और ओमोक्लेविकुलर ट्राइंगल। और इसी तरह यही जो इसकी बेली है ये फिर कितने ट्राइंगल्स में डिवाइड करते हैं, और जो डाइजेस्टिव मसल है ये कितने में डिवाइड करते हैं, यानी ये मसल्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डिविजन ऑफ ट्राइंगल। पहले हम पोस्टीरियर की बात करते हैं, पहले हम सारे मसल्स देख लेते हैं और फिर हम आराम से डिस्कस करते हैं। और मैं आपको ट्राइंगल्स एंटीरियर ट्राइंगल्स की भी नाम जरूर याद करवाऊंगी और उनके मसल्स के बारे में इसलिए बताऊंगी जब इंशाल्लाह आप लोग मैडम पढ़ाएं या मैं पढ़ाऊं तो आप लोगों को कम से कम क्लियर हो कि क्या पढ़ा रहे हैं। इसलिए ओमोहोइड बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेनोक्लीडोमास्टॉइड मसल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा रोल नंबर वन बेटा मुझे बताओ जी अब्दुल मनान, बेटा आप मुझे बताओ कि पोस्टीरियर ट्राइंगल को कौन डिवाइड कर देता है दो में, कौन सा मसल है? मैंने अभी नाम लिया था, उस मसल का नाम बताओ। वेरी गुड, शाबाश, उसकी इंफीरियर बेली, शाबाश, गुड बॉय। अच्छा लाराब 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 चेक करो, लाराब एब्सेंट है, लारेब है, लाराब ये लड़का है, लारेब नहीं लाराब, जी मैम है लाराब, मैंने आपको एब्सेंट मार्क कर देना, किधर हैं आप? एब्सेंट करो लारा आपको। ओके हाफिज जमाल ऑफिस जमाल, ताहिरा हाफिज जमाल को भी एब्सेंट, इसको भी एब्सेंट करो, मुझे मैसेज नहीं कर रहा। रोल नंबर 100 एब्सेंट, इमामा आफ्ताब, रोल नंबर 50 आफ्ताब, मैम ये भी नहीं है, एब्सेंट करो, मीटिंग में नहीं है, जो नहीं है इन सबको एब्सेंट करो और इनके नाम भिजवाने हैं आपने। ओके मैम, अच्छा अब जो है अब हम आ जाते हैं, चले ये हो गया। अब स्टेनोक्लीडोमास्टॉइड मसल रोल नंबर 2 मैंने आपसे पूछना है, स्टेनोक्लीडोमास्टॉइड मसल वो एंटीरियर ट्राइंगल और पोस्टीरियर ट्राइंगल में, और जो एंटीरियर ट्राइंगल है इस पे अगर हम मसल्स देखें तो डाइजेस्टिव मसल है ये वाला,
और मोहायड मसल है, इसकी दो बेनीज होती है। जो डाइगेस्टिक मसल अगर देखें ये दो में और डिविजन कर देता है इंटीरियर ट्राइंगल की, सबमेंटल ट्राइंगल है और सबमेंडिबुलर ट्राइंगल, सबमेंटल और सबमेंडिबुलर। जो ओमोहायड की जो एक वैली है वो दो में डिवाइड कर देती है, मस्कुलर ट्राइंगल और कैरोटिड ट्राइंगल। फिर ओमोहायड की इंफीरियर जो वैली है वो जाके अटैचमेंट होगी नीचे क्लेविकल के साथ देती है, तो ये जो है पोस्टीरियर ट्राइंगल को दो में डिवाइड कर देती है, ऑक्सीपिटल ट्राइंगल और ओमोक्लेविकुलर होगी। बेटा तुम ऐसे करना, डॉक्टर गुलफीन को भी बताना क्या पानी पीने गए थे, यू आर एब्सेंट। ओके मेरा बच्चा यू आर एब्सेंट नाउ। अच्छा ट्राइंगल्स ऑफ नेक, अब इसमें देखना ये देखना। अच्छा इसके देखो ना, यहाँ पे स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड है, यहाँ पे ट्रेपेज़ियम है, बीच में ऑक्सीपिटल ट्रायंगल है आपका जो पोस्टीरियर ट्रायंगल है, इन दोनों के बीच में ये आपका ओमोहायड मसल है। चलो अब आगे चलते हैं, ये तो मैं आपको बता भी चुकी हूँ, ये मैं पढ़ाने में तो मैं आपको एक मिनट में जल्दी जल्दी मैं स्लाइड्स दिखा के फारिग हो जाती हूँ, लेकिन मैं इसलिए टाइम ले रही हूँ ताकि आप लोगों को एक एक चीज अच्छी तरह समझ आए। अच्छा सब डिविजन ऑफ पोस्टीरियर ट्राइंगल, अब जो है पोस्टीरियर ट्राइंगल की अब हम बात कर लेते हैं। पोस्टीरियर ट्राइंगल कौन सा रीजन है लारा, मुझे बताओ पोस्टीरियर ट्राइंगल कौन सा रीजन है लारा। पानी पी के तो तुम आ गए होगे ना, टैंकी तो तुम्हारी भर गई होगी पानी पी पी के, अब बताओ लाराब लाराब अहेरा लाराब किधर है, आहे मीटिंग में है लारा, वो कह रहे हैं कि डिस्कनेक्ट हो गया है। नहीं मैम इसको अनम्यूट करो लारा आपको। हेलो हाँ जी लारा मैम। जी बेटा ये आवाज नहीं आ रही मैम आपकी, अभी तो मेरी आवाज आपको बिल्कुल नहीं आएगी बेटा, जब मैं पूछने पे आती हूँ तो फिर आप लोगों को तो आवाज ही नहीं आती ना मेरी आवाज। हाँ बेटा सुन लिया करो, सर्वाइकल रीजन क्या मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, पोस्टीरियर ट्रायंगल का दूसरा कौन सा रीजन है, किस रीजन में पड़ा होता है। हेलो यस मैम, पोस्टीरियर ट्रायंगल कौन सी रीजन में पड़ा होता है मैम। लेटरल सर्वाइकल रीजन में मैम, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा आपको ऐसी मेरी आवाज नहीं आएगी, अब म्यूट कर दो इसको, मुझे आवाज नहीं आ रही, म्यूट कर दो इसको। यस मैम अच्छा अब जो है सब डिविजन ऑफ पोस्टीरियर ट्राइंगल, जो कि पोस्टीरियर ट्राइंगल हमारा कहाँ पड़ा होता है, हमारा लेटरल सर्वाइकल रीजन में पड़ा होता है। अब इसको डिवाइड किया है दो में, एक ऑक्सीपिटल ट्राइंगल एक सबस्कैपुलर ट्राइंगल। अब जो ऑक्सीपिटल ट्राइंगल है अब इसको किसने डिवाइड किया, कौन सा मसल था, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ओमोहायड मसल। ओमोहायड की दो बेलीज होती है, एक सुपीरियर बेली होती है और एक इंफीरियर बेली होती है। सुपीरियर बेली तो आगे वो उसमें डिवीजन है, वो तो इंटीरियर वालों को डिवाइड करता है। जो इंफीरियर बेली है वो ऑक्सीपिटल ट्राइंगल को जो कि लार्ज है, और जो दूसरी बेली है इंफीरियर बेली जो है और दूसरी इसको स्मॉल सुप्रा क्लेविकल ट्राइंगल को डिवाइड करती है। यानी इंफीरियर बेली के अपो ऑक्सीपिटल ट्रायंगल है
और इंफीरियर बेली की बिलो सुप्रा क्लेविकुलर ट्राइंगल, सुप्रा क्लेविकुलर ट्राइंगल, ये आपकी डिविजन हो गई। अब जो है अब कहते हैं कि ये इस ट्राइंगल की बाउंड्रीज क्या है। बाउंड्रीज दो तो आपको पता चल गई हैं कि ये ट्राइंगल किसके दरमियान होता है, दो मसल्स हैं। ये ट्राइंगल किसके दरमियान है, दो मसल्स हैं। अब मुझे बताओ रोल नंबर 125, रोल नंबर 125 आप मुझे बताएं, रोल नंबर 125 आप मुझे बताएं कि कौन सी दो मसल्स के दरमियान पोस्टीरियर ट्राइंगल पड़ा होता है। रोल नंबर 125 मैम मीटिंग में तो है लेकिन आंसर नहीं आ रहा, एब्सेंट कर दो इसको। रोल नंबर 136 निम्रा यूनुस आपका क्या रोल नंबर है बेटा, आप लोग अपने रोल नंबर क्यों नहीं लिखते साथ। अच्छा 136 निम्रा यूनुस आप मुझे ये बताएं कि पोस्टीरियर ट्राइंगल किसके दरमियान है, कौन सी दो मसल्स हैं जो मैंने अभी आपको बताए। अच्छा इरना 125 आप ठीक कहा, नहीं आप ना नहीं निम्रा आपने ना आपने जब आपसे पूछा जाए कि पोस्टीरियर ट्राइंगल किन दो मेन मसल्स के दरमियान है तो आपने कहना है स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड और पीछे है ट्रेपेजियस, ट्रेपेजियस ठीक है, ये दो आपके मसल हैं, ठीक है ये आपके दो मसल हैं। हाँ जी इरना एमन वेयर वर यू, अच्छा अब हम पढ़ेंगे बाउंड्रीज। बाउंड्रीज में दो बाउंड्रीज तो हमें पता चल गई, हमें पता चल गई, वो मुझे बताने की जरूरत है कि एंटीरियर जो ये हमारा पूरा है पोस्टीरियर सर्वाइकल पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक, पोस्टीरियर ट्राइंगल के एंटीरियरली क्या है, पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लेटोमास्टॉइड और इसकी पोस्टीरियर बाउंड्री कौन बनाता है, एंटीरियर एंटीरियर बॉर्डर ऑफ ट्रेपेजियम, एंटीरियर बॉर्डर ऑफ ट्रेपेजियम बनाते हैं। तो इसकी पोस्टीरियरली क्या होगा, नहीं इंफीरियरली, इंफीरियरली क्या होता है, इंफीरियरली जो है होगा मिडिल थर्ड ऑफ क्लेविकल जो कि बेस, मिडिल थर्ड ऑफ क्लेविकल और इसकी एपेक्स कौन बनाता है, एपेक्स, एपेक्स जो है स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड और ट्रेपेजियम मिलते हैं सुपीरियर नकल लाइन ऑफ ऑक्सिपिट पे, फिर यहाँ पे इसका एपेक्स बनता है। तो इसकी रूफ कौन बनाता है, छत, इसकी रूफ कौन बनाता है, इसकी रूफ बनाता है जी जी सलमान बिल्कुल करता है, नहीं 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 ओमोहोएड मसल जो है जो इसका सुपीरियर बेली है और इंफीरियर बेली, ओमोहोएड जो है कि जो इंफीरियर बेली होती है वो सेपरेट करती है पोस्टीरियर, वो डिवाइड करती है पोस्टीरियर ट्राइंगल को इनटू टू ट्राइंगल, ऑक्सिपिटल ट्राइंगल और दूसरा और जो एंटीरियर और पोस्टीरियर का डिफरेंस है वो करती है स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड मसल। समझ आ गई है बेटा, जरा अपने कान खुले रखो, स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड मसल एंटीरियर को डिवाइड करती है एंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवीजन करती है। अब हम पोस्टीरियर की बात करते हैं, पोस्टीरियर ट्राइंगल जो है हमारा लेटरल सर्वाइकल रीजन में होता है और जो लेटरल सर्वाइकल रीजन होता है
जो पोस्टीरियर ट्राइंगल या लेटर सर्वाइकल रीजन, जो पोस्टीरियर ट्राइंगल है इसको ये दो में डिवाइड होती है। तुम लोगों ने मेरा गला ही फटवा दिया, मैं पागल हो गई। पोस्टीरियर ट्राइंगल जो है फिर फर्दर दो में डिवाइड होती है, वो कौन करता है? जो छोटा सा अपना ट्राइंगल नीचे देता है वो करता है इंफीरियर बेली ऑफ ओमोगॉइड मसल। समझ आ गई है? आई होप कि आप लोगों को अब समझ आ गई। मुझे तुम लोगों ने थका दिया आज इस टॉपिक में। चलो ठीक है, चलो शुक्र है। अब जो है बाउंड्री से एक दफा रिपीट कर लेते हैं। मैं आपको ये ज्यादा ये डायग्राम कौन सी अच्छी है, ये डायग्राम अच्छी है ना, इस पे मैं बता देती हूँ। हमारे पास दो तरह से ट्राइंगल, एंटीरियर ट्राइंगल और पोस्टीरियर ट्राइंगल, इनको डिविजन किसने की होगी? कौन है जिन्होंने एंटीरियर और पोस्टीरियर ट्राइंगल की डिविजन? स्टर्नोक्लीडो मिस्टॉइड। टुडे वी विल लर्न द पोस्टीरियर ट्राइंगल विच इज प्रेजेंट इन द लेटर सर्वाइकल। पोस्टीरियर ट्राइंगल इज फर्दर डिवाइडेड इंटू टू बाय विच मसल? By the inferior belly of the omophyoid muscle into supraclavicular triangle and occipital triangle. Occipital is larger and supraclavicular is smaller. Boundaries. The अभी पूरे whole triangle की boundary. The triangle boundary, anteriorly boundary is it is formed by the posterior border of the sternocleidomastoid muscle. Posterior boundary is formed by the anterior border of the trapezium. The inferior boundary is formed by the clavicle, middle third of clavicle, between the trapezium and the sternocleidomastoid and trapezium. Apex is formed by the sternocleidomastoid and trapezium, which meet on the superior knuckle lines of the occipital bone. Roof is formed by the investing layer of deep cervical fissure. Puri patli si fissure ne isko aake cover kar. Floor. The floor is covered by the prevertebral layer of deep cervical fissure. Prevertebral layer of deep cervical fissure. Lateral cervical region. Or the posterior triangle of neck. Basically, it is covered by the skin, subcutaneous tissues, which contains plasma, platysma muscle. बिल्कुल ऐसे neck की जैसे आपने shirt सी पहनी होती है ना, वो करती है और ये आपको neck को tight रखती है। इन्होंने इस तरह ये आपके उसको cover किया होता है। I hope कि आपको अभी समझ आ गई हो। मसल्स, ये बाउंड्रीज हो गई। अब ओमोहायड मसल भी पढ़ लेते हैं भाई, इंपॉर्टेंट है, इसने इतना काम किया है। ओमोहायड मसल देखे ना, इंफीरियर बेली, ये पोस्टीरियर बेली है, सुपीरियर बेली और इंफीरियर, ये देखो ओमोहायड, ये ऑक्सीपिटल और देखो ना दो ट्राइंगल्स। सुपीरियर बेली इंटरमीडिएट टेंडन और इंफीरियर बेली। Inferior belly of omophyoid divides posterior triangle into two, occipital triangle and supraclavicular triangle. ये clear हो गई आपको बात? अब आ जाते हैं posterior triangle के roof में, जो मैं आपको already बता चुकी हूँ। Already मैंने आपको बता चुकी, एक दो चीजें और हैं वो हम add कर लेंगे, कोई मसला ही नहीं है। Roof, posterior triangle, skin, superficial fissure, platysma muscle, cutaneous branches of cervical plexus, external jugular, investing layer of deep cervical fissure. ठीक है? या आपकी KLM में roof जो है investing layer of deep cervical fissure, floor है prevertebral layer of deep cervical fissure. अगर आप और फर्दर डिटेल में आते हैं तो कुछ बुक्स ये कहते हैं कि आप हम बिलो से अपवर्ड जाएं तो स्क्लेनियस मीडियस है, लिबिडो स्कैपुला है,
स्प्लेनियस कैपिटस है और ये वाला जो मसल है सेमी सेमी स्पाइनलिस कैपिटस. द मसल्स ऑफ द फ्लोर द मसल्स ऑफ द फ्लोर आर कवर्ड बाय द प्री वर्टेब्रल लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया. देखिए मैंने आपको कहा कि रूफ जो है या आपकी केलेम के रूफ जो है आपकी इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया बनाती है और जो फ्लोर है आपकी बनाती है प्री वर्टेब्रल लेयर ऑफ डीप फेशिया. बिल्कुल यही है आपकी फ्लोर. जो प्री वर्टेब्रल लेयर ऑफ डीप फेशिया ने चार मसल्स को कवर किया होता है. चार मसल्स को कवर किया वो आगे जो मसल्स हैं वो कौन कौन से हैं ये देखो. स्क्लेनस मीडियस फिर ऊपर चढ़ लिवेटर बिलो से लेके अपवर्ड जाना लिवेटर स्कैपुला फिर स्प्लेनियस कैपिटस और लास्ट वन है सेमी स्पाइनलिस कैपिटस. ये आपकी फ्लोर बना. अब हम कंटेंट्स क्या है क्या क्या है इंपॉर्टेंट चीजें जो कि पोस्टीरियर ट्रायंगल में प्रेजेंट है. पोस्टीरियर ट्रायंगल में क्या क्या प्रेजेंट नर्व्स कौन कौन सी. थ्री ट्रंक्स ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस. ब्रेकियल प्लेक्सस अगर याद हो बाप लोगों को बड़ा ही सिखाया. फोर ब्रांचेस ऑफ सर्वाइकल प्लेक्सस लेसर ऑक्सीपिटल ग्रेटर ऑरिकल ट्रांसवर्स सर्वाइकल सुप्राक्लेविकुलर और स्पाइनल एक्सेसरी नर्व. ये इसकी नर्व्स हैं. ये नर्व्स इस जगह से गुजरती हैं. इसके कंटेंट्स हैं इसमें होते हैं. आर्टरीज कौन कौन सी है. थर्ड पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी सुप्रास्कैपुलर आर्टरी ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी और ऑक्सीपिटल आर्टरी. ये आपके कंटेंट्स हैं बेटा. आपके ना आपका अगर आए ना कंटेंट्स ऑफ तो आपने इस तरह कंटेंट्स लिखने. आपके केएलएम में कंटेंट्स लिखे हैं जैसे आर्टरीज के बारे में लिखा है डिटेल लिखा हुआ है फिर नर्व्स के बारे में डिटेल लिखा है. जब इस तरह का दो तीन या पांच नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपने इस तरह अटेम्प्ट करना. ये आपके अटेम्प्ट का तरीका. वेन जो है आपकी सबक्लेवियन वेन है एक्सटर्नल जुगुलर है. मसल्स क्या है इसका कंटेंट में कौन सा मसल आ रहा है. इन्फीरियर बेली ऑफ ओमोहायड मसल. इन्फीरियर बेली ऑफ ओमोहायड मसल. यू हैव वन मिनट. ये कंटेंट्स में आप खुद पढ़ें रिवाइज करो. मैंने आपके सामने स्लाइड रखी है अगर स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेना है ले लो जो करना है कर लो. अच्छा कुछ या समझ आई. हेलो हेलो क्लास. हेलो. अच्छा ये आपके कंटेंट्स हैं बेटा. ये कंटेंट्स हैं आपके. ठीक है चले अभी हम इधर तक कर लेते हैं इंशाल्लाह. फिर मैं आपको दोबारा ये सारा रिवाइज कराऊंगी और दोबारा मैं आपको सारा स्टार्ट कराऊंगी कि आप लोग कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है. स्क्रीनशॉट ही नहीं ले लो तो बिल्कुल आपके केएलएम में है लेकिन कंटेंट्स इस तरह नहीं है डिटेल में लिखे तो आपने डिटेल में फिर इस तरह नहीं करने होते जो क्वेश्चन के हिसाब से आपने सॉल्व. तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है आपके में आपका और मेरा लेक्चर होगा 22 को मंडे और फिर मैं आपको दोबारा पोस्टीरियर ट्रायंगल कराऊंगा. ठीक है थैंक यू.